हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से सिविल टेक्नोलॉज में। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है RCC 4 रोड। तो आज हम यहाँ पे, ये हमारा ड्राइववे का एरिया है, ये हमारा रोड है, आप देख सकते हैं पूरा, और इसकी आज हम कास्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हम RCC करने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा स्टील है सारा रेडी हो चुका है। इतना भी स्टील हमारा, हमने यहाँ पे जो स्टील रखा है, जो मेन स्टील है हमारा नीचे वाला, जो आप देखेंगे कि ये वाला हमारा जो स्टील है ये हमारा यहाँ पे 10 का है, और ये जो बाइंडर है ये हमने इसको अटका रखा है। और इसी तरीके से हमने पूरे रोड में जितना भी हमारा ड्राइववे का मेटल एरिया है उसमें हमने इसी तरीके से सारे में स्टील बांधा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने L बनाकर यहाँ पे स्टील खड़ा कराया है। जो हमारा मेन स्टील है 10 का, उसका हमने L बना के यहाँ पे स्टील खड़ा कराया है। ये इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे हमारी एक लेज आ रही है जो कि 3 इंच की है। वो जब ये रोड का जो बेस वाला पार्ट है, जो रोड का पार्ट है, इसके कास्ट होने के बाद फिर उसकी कास्टिंग करी जाएगी। और इसमें जो है यहाँ पर इन सारे स्टील को सीधा करके इन पर एक बाइंडर भी बांधा जाएगा और उसके बाद ही इनकी कास्टिंग होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारी जो रोड है कास्टिंग के लिए तैयार है। हमारी लाइन भी यहाँ पे बिल्कुल लग के तैयार हो चुकी है, पाइपलाइन हमारी कंप्लीट है यहाँ पे। और जो हमारा पंप है वो बाहर खड़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा पंप के पास से जाकर दिखाता हूँ। तब तक आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कवर ब्लॉक भी प्रॉपर लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर कवर ब्लॉक लगा हुआ है, फिर ऐसे ही जगह जगह पर हमने सारे जगह कवर ब्लॉक्स लगा रखे हैं, है ना। कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है RCC में, बिकॉज आपका स्टील जो है वो बिल्कुल बेस में हम उसे नहीं रख सकते हैं, आपके स्टील के नीचे भी कंक्रीट जानी चाहिए, तो हम वहाँ पे कवर देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है। और ये जो कवर ब्लॉक होते हैं उसी स्पेस को मेंटेन करके रखते हैं कि जो नीचे का एरिया है वहाँ पर भी आपका कंक्रीट जा सके और स्टील जो है आपका फिर बीच में आ जाएगा, तभी आपका जो कंक्रीट है वो अपना पूरा स्ट्रेंथ ले पाएगा, जिसके लिए उसे हमने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पंप भी बिल्कुल लग के तैयार है, सिर्फ जो हमारा TM है उसके आने का वेट है, और TM आते ही हमारी कास्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पाइपलाइन है, हम यहाँ से ऐसे लेके हम वहाँ तक लेकर गए हैं, तो उस एरिया से हम अपनी कास्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कास्टिंग स्टार्ट करने के लिए भी एक हमको ऐसा पैटर्न बनाना पड़ता है कि हमको किस तरीके से कंक्रीट को पोर करते हुए लेकर आना है, कि एक सिमेट्री बनी रहे और जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं वो डेवलप ना हो, क्योंकि अगर बीच में कहीं पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट डेवलप हो गया तो वहीं से आपका क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वहीं से क्या है कि जो RCC की स्टेबिलिटी है वो वहीं से लूज़ होना शुरू हो जाएगी। और देखेंगे कि हमने यहाँ पे पूरे की क्लीनिंग भी करी हुई है, लेकिन अभी कास्टिंग स्टार्ट होने से पहले जितना भी ये एरिया है सब में अच्छे से पानी मारा जाएगा कि कहीं पे कोई लूज़ पार्टिकल है, कोई डस्ट है, तो वो सारा यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो बीच वाला एरिया है, तो ये जो बीच वाला एरिया है इसको हमने यहाँ पर इसलिए ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ट्री आ रहा है, तो जो ट्री है उसके लिए हमने पूरी जगह छोड़ दिया, और ट्री को जो है पूरा मिट्टी चाहिए होगी, इसलिए उतने एरिया पे हमने पहले ही ब्रिकवर्क करके उतने एरिया को छोड़ दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि पूरा एरिया अभी हमारा यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है, सिर्फ TM का वेट है, और TM आने के बाद यहाँ पर कास्टिंग शुरू हो जाएगी। तो हमारा TM यहाँ पर आ चुका है और पंप पर लग भी गया है, और कास्टिंग आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो कास्टिंग हम यहाँ पे इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा पैटर्न रहेगा वो यहाँ पे हम पहले जो ये एरिया है यहाँ तक पहले कास्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे इस एरिया से, और ऐसे स्टार्ट करते हुए फिर हम लाइन के साथ साथ यहाँ पर ले जाते हुए अपने कॉन्क्रीट को एंड करेंगे। और इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि जहाँ पर आपका कॉन्क्रीट पोर हो रहा है वहाँ पर आपको पहले पानी डाल के करना है, ताकि कंक्रीट क्या है वहाँ पे थोड़ा बॉन्ड कर सके, और उसी के साथ साथ थोड़ा एक क्लीनिंग भी हो जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी पड़ी हुई है और पानी के थ्रू उसको हटाया जा रहा है, तो पानी डालना यहाँ पे कास्टिंग से पहले बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी चीज़ की कास्टिंग कर रहे हो, चाहे वो स्लैब है या फिर कुछ भी है। जैसे हम यहाँ पर रोड ही कास्टिंग कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर पानी डाल के फिर उसके बाद ही हमने यहाँ पर कास्टिंग स्टार्ट करी है। और कास्टिंग स्टार्ट करने के टाइम पर यहाँ पर आपको प्रॉपरली इसमें वाइब्रेशन भी करनी होगी, तो वाइब्रेटर का यूज़ भी यहाँ पर प्रॉपर होगा, और इसी तरीके से हम कास्टिंग को ख़त्म करते हुए ले जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे एक जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमको इसका लेवल यहाँ पे प्रॉपर रखना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जगह जगह पे हमने यहाँ पे लेवल्स हमारे लगाए हुए हैं, और हम यहाँ पे साथ में सरिये पे हमने मार्किंग करके एक कैंडा भी बनाया हुआ है, उसके थ्रू हम प्रॉपर यहाँ पे थिकनेस रखेंगे। जैसे हमारी थिकनेस यहाँ पे 4 इंच है, तो जगह जगह पर 4 इंच ही हमारे यहाँ पे कंक्रीट आए, और उसी के साथ जो प्रॉपर हमारा स्लोप है वो सारा मेंटेन करते हुए हम लेकर जाएंगे, जो हमारा
डिज़ायर्ड फ्लो है उसी को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। और हमें यहाँ पे साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमने स्टील यहाँ पे सारा खड़ा किया हुआ है ये साथ साथ हमारा नीचे बैठे नहीं है ना, और क्या है कि साइड में टिल्ट ना हो, क्योंकि जब हमें इसकी यहाँ पे कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी लेजिस की तो सारा स्टील हमको सीधा चाहिए होगा। और सीधा स्टील हमको इसलिए चाहिए क्योंकि वो अगर बेंड होगा इधर उधर होगा तो फिर प्रॉपरली स्टील लेज में नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए हमको इस स्टील को भी एकदम सीधा रखना होगा। तो ये भी हमको साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखना है। और स्टॉपर्स भी आपको कास्टिंग से पहले लगाने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क से हमने यहाँ पे स्टॉपर बनाया हुआ है, और आप देखेंगे कि ऐसे ही सारी जगह पे हमारा स्टॉपर बनाया हुआ है जिससे कॉन्क्रीट क्या है कि बाहर ना जाए, जो हमारा लेआउट है उसी के अंदर अंदर कॉन्क्रीट रहे, तो इसीलिए स्टॉपर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारी जगह आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लकड़ी के बैटन्स का पूरा यहाँ पे स्टॉपर लगाया हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और यहाँ पे दोनों साइड पे हमने स्टॉपर लगाए हुए हैं, और कर्व पे जहाँ पे हमारा कर्व आ रहा है वहाँ पे हमने ऐसे ब्रिक के थ्रू कर्व को मेंटेन करते हुए और हमने यहाँ पे स्टॉपर बनाया है। तो स्टॉपर आपको ज़रूर यहाँ पे कोई भी कास्टिंग करने से पहले जहाँ तक आपका लेआउट है, जहाँ पर आपका जहाँ तक रोड रहना है वहाँ पर हमको पहले ही स्टॉपर बनाना होगा। और इसी के साथ साथ सर्विसेज का हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जहाँ जहाँ पे हमारी सर्विसेज आ रही हैं तो सर्विसेज को हमें यहाँ पे पहले ही डालना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स की ज़रूरत थी, यहाँ पे ये जो हमारा चैम्बर है ये हमारा इलेक्ट्रिकल का चैम्बर है, तो इसी के थ्रू हमने यहाँ पे कंड्यूट्स जो है पहले ही डाल दिए हैं, नहीं तो बाद में क्या होगा कि कोई अगर चीज़ रह जाएगी तो फिर उसके लिए हमको चिपिंग करनी पड़ेगी, फिर उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, फिर उसको पैक करना पड़ेगा, तो वो कहीं पर हमारी एक वर्किंग भी बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है। उस सारी वर्किंग को बचाने के लिए हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।